नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप? सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चैनल पर। आज की वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है, समाकलन के अनुप्रयोग विविध प्रश्नावली से सवाल नंबर 12। बेटा, लिखा हुआ कि वक्रो इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल इस बात को जो समझ जाएगा उसके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो समझना कैसे है, ये वाई बड़ा है एक्स स्क्वायर का, मतलब आप ऐसे समझेंगे कि वाई बराबर दिया है एक्स स्क्वायर। y बराबर माड के अंदर x का मतलब हुआ कि y बराबर प्लस x भी है और y बराबर माइनस x भी है। ठीक है, y बराबर प्लस x भी और y बराबर माइनस x भी। क्यों? क्योंकि माड से बाहर निकालने वाली चीज़ प्लस और माइनस दोनों होती है। ठीक है, और ये दिया वैसे ही कि x और y के रूप में क्वेश्चन है। अब आप समझ गए ये वक्र है या रेखा है दो। तो ये वक्र कैसे बनता है फिगर में, देखो ध्यान से देखो। लाल ये वक्र ऐसे बनता है, y बराबर x दोनों प्लस प्लस है तो पहले चतुर्थांश में जाएगी रेखा इसे, y बराबर माइनस x तो दूसरे चतुर्थांश में रेखा जाएगी इसे। जितनी जो रेखा ये है वही ये भी है, बस ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है। ठीक है, तो मेरे भाइयों इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जितना घेर दिया गया। तो एक बात समझो, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दो का गुणा कर देंगे, समझ लीजिए इन दोनों का आ जाएगा। क्यों? चित्र देखने में ये छोटा बड़ा दिख सकता है, बट नियम के अनुसार ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस नाते हम एक ही का निकालेंगे, दो का गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ निर्देशांक कैसे पता चलेगा, ये वक्र और रेखा काट रहा है तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा आपका 1,1। ठीक है, कैसे देख लो बताते हैं। y का मान x यहाँ रख दो, x बराबर x स्क्वायर, x कट गया, x की वैल्यू 1 आ गया। जब x की वैल्यू 1 आ जाएगा तो यहाँ 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, यानी y का वैल्यू भी 1। इस नाते हमने 1,1 लिखा। ये है बिंदु O, ये है A और ये है B। तो क्या करेंगे हम, OB रेखा OB के क्षेत्रफल में से वक्र का क्षेत्रफल घटाएंगे। नहीं समझे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि किसमें से किसको घटाएंगे, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर रहेगा उसी में से नीचे वाला घटा देंगे। ऊपर है रेखा, नीचे है ये वक्र टेढ़ा वाला, तो रेखा में से वक्र घटेगा तो क्षेत्रफल बराबर शुरुआत होगा 0 से और अंत होगा 1 पर, 0,1। अब रेखा का क्षेत्रफल y बराबर x तो लिखेंगे x dx एक्स माइनस 0,1। वक्र का क्या है वैल्यू, y बराबर x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ गए ना? अच्छा चलो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपन 2,0,1, इसका हो जाएगा x क्यूब अपन 3,0,1। ठीक है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, बटे दो किनारे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर में एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 माइनस, ये भी ऐसे ही 1/3 किनारे कर लेते हैं नीचे का, 1 का क्यूब माइनस 0। तो समझो ये क्या आ गया, 1/2 माइनस 1/3, यही ना आएगा? अरे भाई 1 का गुणा हुआ इतना रह गया, 1 का गुणा हुआ इतना रह गया, 3 × 3 2 × 2 3 में से 2 घटेगा 1/6, लघुत्तम लेंगे इतना हो जाएगा। ये केवल एक भाग वाला आया, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 × 1/6, तो 2 से 6 कट गए 1/3। बस 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 कितना आया, 1/3 वर्ग इकाई रखे या वर्ग मात्रा लिखें, बात एक ही हुआ, वर्ग मात्रक, ये हुआ आपका आंसर। देखो मेरे बच्चों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इंटर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल 0 है, और चाहते हैं कि आप इंटर में बड़े अच्छे नंबरों के साथ मैथ में पास हो जाएं, तो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। ठीक है, आप वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी वीडियो अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लीजिए और उसे ही देख देख करके सीखिए, पढ़िए, गारंटी देते हैं कि आप 90+ मार्क ज़रूर लाएंगे। पढ़ने में अगर तेज़ हैं तो 90+ मार्क लाएंगे, पढ़ने में कमज़ोर हैं
पास तो गारंटी के साथ हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो यह कोर्स बनाने में काफ़ी वक्त लगा है, काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है, इस नाते इस कोर्स की फीस मात्र 500 रुपये है। अगर आप 500 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप इंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख के व्हाट्सएप करिए, 7525 8188 38 पर क्लास 12 इम्पॉर्टेंट लिख करके व्हाट्सएप करिएगा, आपको मिल जाएगा। बस वही लोग व्हाट्सएप करेंगे जिनको लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर ऐसा लगे तो संपर्क कीजिए, और अगर आपने पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, आपका कुछ तैयार है, कुछ ही तैयार करना है, तो आप इसको मत लीजिए, आप वैसे ही तैयारी कीजिए, आप ज़रूर पास होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।